ନୂଆପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟପାଲ ସିଂ ବଘେଲ। ସେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଓ ଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଏନ୍ଜିଓ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कुछ पैरामीटर्स पर कुछ जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अपना रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मातृ शिशु वाला विषय है, इन पर जो भारत के पैरामीटर से औसत के नीचे हैं उनको जो है आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया। ऐसे इस समय हिंदुस्तान में 115 जिले हैं। आपके ज़िले ने अच्छा काम करते हुए 44वें नंबर पर लाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ऊपर पायदान पर अगले साल आएंगे। कुछ पैरामीटर्स में बहुत अच्छा काम हुआ, एक आध पैरामीटर में काफ़ी पीछे है। 104 वार्ड पे है, वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कारण ये समझ में आई कि बहुत सी हमारी योजनाएं जो ज़िले की हैं वो पर्यावरण की क्लियरेंस और जंगल यहाँ पर बहुत है, रिजर्व फॉरेस्ट आदि के कानूनों में के वो उलझी हुई है। तो 11 करोड़ रुपये, और ये पूरा 11 करोड़ रुपये का बहुत अच्छा डिसीजन नीति आयोग के डायरेक्शन है कि चिकित्सा और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया जाए। तो यहाँ पर पूरा 11 करोड़ रुपए शिक्षा पे किया है। उसमें एक डायरेक्शन है कि कोई नया स्कूल नहीं बनाएंगे, नई बिल्डिंग के लिए नहीं, उसके लिए राज्य सरकार का पैसा पर्याप्त होता है, उसका अपग्रेडेशन करेंगे, जैसे स्मार्ट क्लास बनाएंगे, लैपटॉप से होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, शौचालय वौचालय का वो होगा, और उसके साथ है कि फैकल्टीज़ को भी थोड़ा अच्छा करना है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स के मामले में ये पैसा लगाना है। कालाहाड़ी का नाम उस जो है लोकसभा जो है पहले जिला, उसके कई किस्से होते थे पहले गरीबी के, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनकी गरीब कल्याणकारी ही योजनाएं, चाहे 12 रुपये का बीमा हो, 330 का बीमा हो, अथवा उज्ज्वला में गैस दी हो, अथवा किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये आ रहे हों, अथवा फसल बीमा योजना के द्वारा किसान को बड़ी कवरेज की गई है, और आमदनी दुगना करने के लिए पोल्ट्री की योजनाएं हैं, पिगरी की योजनाएं हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जैविक खेती और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, और उसके साथ अपना ये औषधि खेती, इन चीज़ों पर किसान अगर ध्यान देगा तो अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। कलाहांडी सांसद बसंत कुमार पंडा जिलार विभिन्न समस्या उपरे मंत्री को अवगत कराइथिले। सभारे अन्यमानक मध्यरे जिलापाल स्वादिदेव सिंह, नुआपड़ा विधायक राजेंद्र ढोलकिया, खरिया रोड एनएससी अध्यक्षा सोनिया जान, नुआपड़ा एसपी प्रत्युष दिवाकर, मधुचंदा साहू प्रमुख उपस्थित रहिथिले। नुआपड़ा उपेन्द्र मडारी रिपोर्ट, प्रतिज्ञा टीवी।